हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भिडियो आपण मैं समस्त स्वागत जनाऊँगी। आसत आज मैं ये डबल कटरी ब्लाउज स्टिचिंग करवा जो डबल कटरी ब्लाउजा कटिंगटा मुझे आपण सहित सेयार कर सारी आउ ये कटिंगटा कि आम नुआ मेथड में कटिंग करते तो जदि ये भिडियो को आपण मैंने देखी ना मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवि आपड़ भिडियो को देखिपारे कटिंग भिडियोटा तेल आम ये स्टिचिंग फास्ट ही करनवा। स्टिचिंग देखा जो अस्त्र कपड़ा आमर था दुई पीस थी मेन कपड़ा भी दुई पीस था तो आम अस्त्र कपड़ाटा कौ टाइप खोलिक रखा देखते दुई पीस अच्छी आम एमती अल्टरनेट खोलिक रखा गोटे आड़क आ गोटे एमती मानते दुटा को आमना सामना रोते ये टाइप रखि ना जो मेन कपड़ा रहा मेन कपड़ा को भी सेम प्रोसेस खोलवा जमी अस्त्र कपड़ा को खोले से टाइप तापर मेन कपड़ा देखिए सीधा सहीटा तल सैड्रे रहा अल्टाटा ऊपर सैड्रे एम अस्त्र कपड़ा को रखि ना मेन कपड़ा एम टाइप रखि ना आगे सेट करनवापर केमी सिलई कर देखेबी देखो। तापर आसा पाटू कटरी पाटू कटरी भी देखिए गोटे सैड अधिक डाउन थी गोटे सैड कम डाउन जो पटा अधिक डाउन हो गए इंच लगा डाउन सेटा मोर दुटा को आमना सामना रहा रहा मेन कपड़ा को भी नहीं आसवा मेन कपड़ा भी जमी काटी से टाइप रमी खोलिक रखि ना एवं गोटे आउ गोटे पुणी सेट करके रखा मेन कपड़ा रही तले ऊपर रहीगला अस्त्र कपड़ा तापर ये आम पिन को लगे ना यहाँ हूँ सिफन कपड़ा जदि आम पिन न लगाऊे तो धरिकी सिलई कराया बहुत ही मुस्किल हो पिन लगे नौ फास्ट की पिन जो लगे देखिए चारि सैड कपड़ा छाड़ी छाड़ी ही आपन पिनटा को आटाच करेंगे एवं आम रहा एस पटी ए एस पटीटा को भी आम सेम प्रोसेस खोलवा यही रहा आमर अस्त्र कपड़ा को देखते कौ टाइप पकईकी रखुचे प्रथम यहाँ ए टाइप रहा भी ए टाइप रहा दुटा कटरी पार्टा दुटाक आमना सामना होते हैं ए टाइप रमती हो सारापर जमी आम अस्त्र कपड़ा को खोलें सेमती मेन कपड़ा को भी खोलिकी पकईवा बास मेन कपड़ा भी अस्त्र कपड़ा पकई ना आउ गोटे पार्ट रहा भी आम सेमती पकई ना यटा को भी पिन लगे नी जो पिन लगे सब आड़े छाड़ी ही लगे मानते अस्त्र कपड़ाटा मझे रोथ आ चारि सैड जमी टिके एक्सट्रा कपड़ा बल्कि रोथ कहीं आम आटाच करवास जॉइंट करवा तो देखो एम सेट कर रखी सारापर ये मुझे जॉइंट करनाऊँगी पूरा सैड सैड आम सिलई ना बेसी ना दुई सूत गोटे सूत लेखा रखिक आम सिलई कर ना सब पार्ट गुटा जितकी आम सब अस्त्र कपड़ा सहित मेन कपड़ा को जो पिन लगे रखिले से गुड़ाक आम जॉइंट कर ना मेसीन सिलई कर सारापुर सैड जी एक्सट्रा कपड़ा रही है कपड़ा को काटिक बाहर करनवा तो ये सब पार्ट गुड़ाक मुझे जॉइंट करके एक्सट्रा कपड़ा को बाहर कर नहीं जामी जॉइंट करवा देखा तो फास्ट के कटरी पार्ट को जॉइंट करवा तो दुटाक कटरी को आम खोलिक सेट करके आगे रखि ना देखो जमी आम खोलिक रखी थे सीधा सेटा तल सैड्रे सेमती रहा अल्टा सैड उपर सैड्रे ये सेमती रहा पाटू कटरी जो पटे आम गोटे इंच डाउन करते तल को सेटा एमती रखा जमी आम सेट कर रखी थे से टाइप रही रखि ना एमती रखि सारापर फास्ट गोटे कटरी केमती या देखो एमती धरी ना तल सैड्रु हाल्का हाथ में धरिकी आम पूरा लास्ट पर्यटन देखा सामान अच्छे ना सामान परफेक्ट आसो तो जमा भी आप ट्राए करेंगे जिते बड़े जॉइंट कर कटरी कौन से पार्ट को टाणी पूरा हाल्का हाथ में जॉइंट करेंगे आपंकर परफेक्ट आसो जदि आप टाणी दौंस आपंकर पार्ट वन कटरीटा बड़ हो कहीं आम जिते कटरीटा कटिंग करे टे मैं तेड़छा कटिंग करुचे से सीधा कपड़ा कटिंग करें तो से टाणी जमा भी तो एमती हो सारापर देखूँ आम यू ये फोल्ड करनवा मझीर तल सैड को एमती सामान धरनवा मझीगला तापर आम ये टक्स मार्क करवा टक्स केमी जानवा के ना ना देखो प्रथम आम सिलई मार्जिन मार्क करवा तो आम ये कटोरीटा के लिए सिक्स इंच तो सिक्स इंच रहा दरकार तो सिलई मार्जिन फास्ट के हाफ इंच करुँची जदि आपड़ी तीन सूत्र मार्क करती मैंने सिलई मार्जिन जब आपसूत मार्क करेंगे एब ये देखा केत इंच अच्छे ये जिते भी इंच था ना कहीं आम ये मार्क करवा के आम जी आम कटोरीटा कटिंग कर तार अधा आम नहीं सिक्स इंच सिक्स इंच रधा हो थ्री इंच थ्री इंच तले पुणी थ्री इंच तो सिक्स इंच होगा तेल ये आम कौन करवा ऊपर सैड पुणी हाफ इंच मार्क करवा बास्तापर यहाँ को तल सैड एमती जॉइंट कर ना एमती कले कौन हाँ मुझे टक्स केत इंच ना पड़ो कौन से जानवा दरकार ना आम परफेक्ट ही आसो जदि आम एमती करूचे तो देखो ये टाइप कर ना ये स्टिचटा को आम डबल स्टिच ये करके लक कर ना गोटे कटरी जमी तैयारी कले गोटे कटरीटा जमी कले आ गोटेटा को आम सेमती रेडी कर ना ये सिलई कला बेले बारंबार कहूँ आप कटरी पीस को जमा भी टाणबे पार्ट वन नुह कि पार्ट टू नुह एमती करनवा आम टक्स जमी आपण मतलब बतैली आम सिलई मार्जिन आड करवा
तापरे आमर कटरी जेतिक नेइथिबा कटिंग बेले तार अधा मार्किंग करबा तापरे बाद बाकी आमर जेतिक रहिगला सेइटा होजे आमर टॉप्स ऊपर आम हाफ इंच एमती छाड़ देबा सिलेई जो आम करथिबा कटरी जॉइंट से जॉइंट रो हाफ इंच तल को छाड़ देबा तापरे रो क्रॉस करके मार्क कर नबा एटी बेटा को डबल स्टिच कर नौ जे दीटा जाक कटरी देखुथिबे कि भल भाव तो यही कटरी आपन जदि चाहंती ताले एई प्रोसेस आपन कटिंग करि पारिबे जमा भी एटा कटरी आपन को चेप्टा हबनि पूरा परफेक्ट गोल आसिबो तो ए स्पोटी सहित आम जॉइंट करबा केमि देखंथु एमती टाइप रखि देबा तो गोटे उपरे गोटे एमती आम एबे पकेइ न माने सीधा साइड आमना सामना रहिले अल्टा साइड एबे देखथु उपर साइड रे अछि एमती टाइप धरिकि तळ आडु हल्का हाथ रे आम धरिकि देखे जमा टाणिबेनि कोनोसी कपडा यही टाइप धरिकी देखिए पूरा ये परफेक्ट सामान अच्छी आदि सामान अच्छी तालोले आम कौन करवा ना ऊपर पटु सिलई आरंभ कर तल पटु सिलई करके ऊपर पटु को नहीं पारा यहाँ आपण पसंद ये आप टाइप सिलई करेंगे मुझे यहाँ तल पटु नहीं सिलई ऊपर पर्यंत नहीं आसवि आमर जो दुईटा जाक पीस सामान लेंथ रोच सामान रोच आमर से तल होर होमती सिलई गले भी किसी फरक पड़े देखो पूरा हाल्का हाथ में ही मुझे सिलई कर जमा भिड़ को स्पीड करनी आठ भी देखने आम दुईटा जाक पार्ट पूरा सामान ही आसव सिलई पर डबल स्टिच कर नौ देखो कौट भी बड़ी ना तलपटे ना उपरपटे कौटी बड़ी पूरा आम जीक रहा दरकार से रही गोटे पार्ट हो गला तो यही प्रकार आम आउ गोटे पार्ट को भी सिलई कर नवा गोटे पार्ट उपटे पार्ट पकई ना सामान भाव धरिकी आम हाफ इंच लेखा आम सिलई मार्जिन हाफ इंच तो यही सिलईटे भी आम हाफ इंच लेखा नवा जदि आम कटरी साइड को हाफ इंच रु टे गोटे सुत कमई दूचे ताल कि प्रोब्लेम हेनी आम ठीक सेप सिलईटा ही सेमती गोटे सुत कमी ही जाए जदि आम कह तल सैड जो हाफ इंच ने ऊपर सैड्रे भी हाफ इंच आसो ना आम टे कमी हो जाए तो ये आम भि पटीटा केमी या देखो ये आम मेन कपड़ा अच्छी मेन कपड़ा को आम एम खोलिकी रखि ना जमी आम अस्त्र कपड़ा को खोलिकी रखी थे प्रथम कि जो अन्य पार्ट में सेमती आम अल्टरनेट खोलिकी रखि ना ये कौन करवा ना भि पटी मेन कपड़ाटा सीधाटा उपर पट रखे अल्टाटा तल सैड रखे कहीं पोल्टी कर ना ताऊपर अस्त्र कपड़ा को एमती भाव में पकई ना देखो जो पटे अधिक सैड रहा दुटाक आमना सामना केमी रखा तापर गोटे आम कौन कर देखो तल सैड्रे एम सामान रखि ना सिलई मार्जिन आम हाफ इंच तो हाफ इंच लेखा ही आम ये सिलई करवा जदि सिलई में आपड़ ये हाफ इंच रु कम बेसी करुँचे आपंकर ब्लाउज लेंथ रे प्रॉब्लम ही पारे जदि आप हाफ इंच रु कम नौले कौन हम ना बैक पार्ट अपेक्षा फ्रंट पार्टा टी बड़ जदि अधिक नहीं तो छोट हो तो से भाया देखिए करेंगे तापर एमती करी तापर गोटे पुणी आम प्रेस्टिज पकई ना तापर एमती अल्टई नहीं कि आम मेन कपड़ा सहित अस्त्र कपड़ा को चार सैड टू जॉइंट कर ना तापर एक्सट्रा कपड़ा जहाँ रहा काटिक बाहर कर ना तो गोटे सैड जमी आम भि पटी रेडी कले आ गोटे सैड टू भी पटा को सेमती सेम प्रोसेस रेडी कर ना देखो एवं जो अधिक सैडटा रहा से बटम मुखपटे ये सैड रो जो कम से फिटिंग लाइन सैड पटे रमती टाइप रखि सारापर आम केमी एटा को रखा आम पार्ट टू कटरी जिते भि पटी सेप देते आम पार्ट टू कटरी सेप देना तो ये आम जो सिलई करवा ये आमको सेटा देवाक पड़ो केमी दबा ना देखो यही टाइप आम ये रखि ना आम जो बटम मुखपटी पटे रखुचे ये सामान रहा दरकार आम फिटिंग लाइन सैड पटे कम बेस हो पाए से अलग मैटर कितु जो सिलई में भूल करवा सेपटे ही सेमती हम कटरीटा सिक्स इंच बदल सिक्स पॉइंट फाइव रखीदी तेल सेपटे आम मैंने ब्लाउज पीसटा अधिक होपटा छोट हो तो ये मोर परफेक्ट अच्छे से सामान आसला यही टाइप देखो आम तल पटु टे उठक रखा के रखा ना पॉइंट सेवेन फाइव पॉइंट सेवेन ऑटोमेटिक एमती रखि सारापर आपर भी पटे जमी रखे ना आर पटे अंटा मानने जो फिटिंग लाइन सैड पटे सेपटे सामने रखे कटरी सैड को एपटे टे जस्ट उठेदेवे के ना पॉइंट सेवेन फाइव एमती उठे आपड़ कटरीटा को ये भि पटी सहित जॉइंट करने ये होगा गोटे जमी कले आम आ गए पाठ को भी सेमती जॉइंट कर ना जॉइंट कर सारापर दुटा जाक इक्वाल अच्छी ना नहीं देखापी आग देखने एमती सामान पकई सारापर देखे सबूत आम ये सामान अच्छे तेल भि पटी ये आम दुटा प्रेस्टिज पकई ना गोटे पूरा साइड रे लगे जो जॉइंट हो से जॉइंट टे तल को पुणी आउ गोटे दुटा टी स्टिच पड़ो दुटा पड़गला तापर ये आम हुक पटी लगे हुक पटी पकेबापी ये दुई फोल्ड करके कपड़ाटा मुझे दुई इंच नहीं चाहते आप कम नहीं पारे तो एमती करके आम ब्लाउज कपड़ा सीधा रोज सीधा रहा एमती रखि ना आउ हाफ इंच लेखा डिस्टेंस गोटे सीधार सिलई ना
तापरे ताको आमे एमिति तळ आडकु फोल्ड करिकि तापरे गोटे प्रेस्टिज पकाइ नबा ब्लाउज टाक उल्टे नबा तापरे एटाकु देखंथु गोटे फोल्ड तापरे आ गोटे फोल्ड दुई फोल्ड करिकि एटाकु पुणी मेसिन रे सिलाइ कर नबा किंतु जेतरे ब्लाउज कंप्लीट हे जइबो एई सिलाइटाकु आपण खोली देकि हाथरे हेमिंग कर नेबे तबे देखि नबा कटोरीटा हमर पूरा परफेक्ट 6 इंच अछि माने आमे कटिंग करथले 6 इंच आउ अछि बे हमर 6 इंच ताले पूरा परफेक्ट अछि जमा कम बेसी कोठि नै तापरे एठी आमे आई पट्टी लगे आई पट्टी पई हमकु मेन कपडा रे एटी मेन कपडा सिफोन कपडा बहुत पतला अछि सेते मेटी अस्त्र कपडा टिके जॉइंट कर नउ छी जॉइंट करने के आमे ब्लाउज कपड़ा को एमती उल्टे नबा यार भी चौड़ा दुई फोल्ड करके दुई इंच रखी छी मु ए टाइप रो टिके जे आपन चाहते तीन इंच मध्ये रखी परबे गोटे फोल्ड रे तीन इंच रखी परबे दुई फोल्ड डेढ़ इंच रखी परबे तो ए टाइप रो करके आमे गोटे हाफ इंच लेखा डिस्टेंस से सिलाई कर नबा तापर ताको आमे प्रेस्टिज पकाइ नबा ब्लाउज को पुणी सीधा साइड को नै आसीबा एमती दुई फोल्ड करिया दुई फोल्ड जो करिबा एटा हमरो बाहर साइड को टिके कपड़ा फोल्ड के रहइबो जेमिति कि 0.75 रु 1 इंच पर्यंत आमे ए आई पट्टीटा को बाहर को रखि थाउ ए टाइप रे एमती करिकि दुईटा स्टिच तापर मु पकाइ नै छी एबे एठी देखिबा गोटे जिंस एठी मु फ्रंट साइड टा आउ टिके ब्रॉड करबा को चाहू छी ब्रॉड सहित टिके तळ को करिया को चाहू छी सेइदि पई एठी मु ए टाइप रो शेप दउ छी एई शेप टा आपण भी करिवे ता कंपलसरी नुओ एटा आपण माने केमिति जानिबे जदि आपण कस्टमर टिके भूल हो जाइछि सिलाई रे बा आपण माने जदि चाहांती डिप करिया को ताहाले केमिति करिवे ताहाले आपण एई टाइप रो करि परिबे देखंथु माने डिप भी तळ को करि परिबे आउ टिके ब्रॉड मध्य करि परिबे किंतु जदि आपण माने नॉर्मल चाहांती किंतु जो भलिया आमे कटिंग प्रथम रु करिछे आपण सेई भलिया करिवे जे मु जदि डिप पिंधु छी आपण मानकर भी डिप पिंधिया को एमिति पसंद थिबो ताहा नु सेटा आपण को हिसाब रे आपण करिवे तो सेइत पे आपण जो भलिया करिवे से भलिया प्रथम रु कटिंग कर सछि त आपण सेई कटिंग रे ही करिवे एमिति करबा दरकार नै तो एठी मु पाइपिंग लगे नउ छी ये हूँ रेडीमेड पाइपिंग रेडीमेड पाइपिंग मुझे दुई साइड लगे नीली तापर एमती आम भितर आड़ को फोल्ड करके ये गोटे प्रेस्टिज पकई नवा देखो ये पूरा पाइपिंग साइड साइड ही आम सिलईटा जीव जमा भी पाइपिंग उपरे सिलई को नेबे एमती दुई साइड लगे सारे एवं आम बैक पार्टा को रेडी कर नवा तो बैक साइड देखिए आमर अस्त्र कपड़े आम कटिंग करनि ये कटिंग कला बेल टे चेज कर देखो ये साइड ऊपर साइड में कपड़ाटा मुझे कटिंग करनी टोटाल टिके रखीदी कहीं जो आम सिपन कपड़े आपको आम पकईवा तो नेकटा मोर बहुत खोली हो ठीक आम मेजरमेंट पाई तो से लगे रखिले आई टाइप रखि सारापर सामान भाव सब रखने तापर आम ये चार सैड टे पेन आटाच करना कहीं आमको सिलई करने को इजी हे तापर जॉइंट कर सारापर मेन कपड़े अस्त्र कपड़ा को मेसीन सिलई कर चार सैड जॉइंट करना चार सैड टू होगा एवं आम जो भितर जो कपड़ा रहा सैड जो कपड़ा रहा आम काटिक बाहर करना तापर ये आम टक्स पकई ना टक्स तो आम कटिंग बेले मार्क कर नहीं तो से हिसाब से आम ये टक्स दुटा पकई ना टक्स जदि आपर के मार्क करते मन अच्छी भल कता जब मन न था आप सोल्डर को मझे फोल्ड करने बास आउ टक्स दुटा आपड़ी पकईने दुटा को टक्स ये पड़ जाए आम अंटे पटी लगे अंटे पटी लगे जो आम कपड़ा ये मुझे दुई इंच चौड़ा तो ये देखिए गोटे चेंजेस कौन ना आम जो कटिंग करते सैड्रे आम हाफ इंच सेप देते जो कटिंग करने आम कौन करवा ना जेहेतु आम कटिंग करे देखो कौ भाया अच्छे ये आम तल को पलि आसे दुटा टक्स पकई सारापुर तौक पलि जाए फिटिंग लाइन सैडटा मझे ऊपर को उठी जाए तो जो कटिंग करता कटिंग करनी ताल कौन करी ना जो पट्टा रहा यहाँ को तल सैड्रु ऊपर एमती हाफ इंच उठेदेवि तापर ही हाफ इंच लेखा डिस्टेंस रे सिलई गोटे नहीं आसवि केवल दी साइड रे ही आमर हाफ इंच जो हमें कटिंग करते सेइटु ही हमें पट्टे को ऊपर लगे आउ ना देन आम मझीटा पूरा सेमी से हाफ इंच डिस्टेंस समान सीधे रही तापर एमती टाइप जमी अंटापटी लगे आप जानते तो से भाया पकई ने तो ये देखते अंटाटा मोदी जमा भी बंका ना पूरा सीधा अच्छी तो एमती होगा पर आम नेक रे पाइपिंग लगे ना तो फ्रंट साइड रे जमी पाइपिंग लगे इटी मुझे लगे नीली तापर ये शाढ़ीर लेसटा थी तो शाढ़ीर लेसटा को ये मुझे अटाच कर नौ एबे हमर बैक पार्टा कंप्लीट हो जाए फ्रंट साइड रे बैक पार्ट को आम जॉइंट करवा जॉइंट करिया देखंतु फ्रंट साइडटा सीधा साइड आ बैक साइड भी सीधा साइड दुईटा जाक आमना सामना एमती रखा तापर अंटा पटे सामान रखा कांध पटे भी सामान रखा दुईटा जाक सामान रखी सारापर आम सिलई मार्जिन के हाफ इंच हाफ इंच मार्क करदे कि डीप नेक जेहेतु आमको शोल्डर डाउन कराया पड़ो केन सुत तीन सुत बा हाफ इंच देखिए आमको डाउन करा पड़े ये मुझे तीन सुत डाउन कर सोल्डर डाउन कलापर जो मार्क है से मार्क हिसाब से आम ये दी साइड सोल्डर जॉइंट करना एमती
दीटाक सोल्डर ये जॉइंट हो जाए सोल्डर जॉइंट पर आम ये स्लीव्स लगे पूर्व देखने ये देखिए आम जॉइंट जो भी टी बाहर को पड़ी जाती सेपटा सीधा आसी तो आम चाहिए एमती सीधे मार्क करी आपने चाहती फिनिशिंग एमती निश्चित करेंगे नहले आमर कौन हुए आर्मोल साइड ए साइड जो कांधो साइड बेले बेले कम बेसी हो जाए कपड़ा तो ताको आम चाहिए कटिंग कर बाहर करें से किसी प्रॉब्लम हुए नहीं तो ये मुझे स्लीव्स एमती कटिंग कर नहीं और स्टिचिंग कर नहीं जार भिड मुझ सहित सेयार कर सारी जदि आपड़ो को जाखी ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी आप देखिए करेंगे तो देखो ये मुझे स्लीव्सटा को मिडिल सेन्टर करके दुटा मार्क कली कहीं मझे ये कट अच्छी जेहेतु यहाँ आम फिनिशिंग देवार अच्छी तो से आम जमी नेक आम क्रॉस पट्टी लगाऊ सेम प्रोसेस रे जो मार्क कली से ही आम ये क्रॉस पट्टी गोटे लगे ना जदि आमर ये मझे कट न था पूरा जॉइंट था सोल्डर टा तेल आमको ये करते दरकार नाला जेहेतु आम डिजाइन अच्छे तो आमको सेमती कराया पड़े देखो जो भी मार्क करते सेम से मार्क उपर ही स्लीव्स को एमती रखने जो भी आम कपड़ा को जॉइंट करवा शेष करे आम ये स्लीव्स को जॉइंट करवा आरंभ करवा दीटा को कपड़ा को माने ब्लाउज रो कपड़ा और स्लीव्स कपड़ा दीटा को हल्का हाथ में धरिकी एपट रु सेपट सिलई करा पुणे एपट रु सेपट सिलई करा दीटा को दीपटे अच्छे ना दीपटा को सिलई कर ना तो देखो गोटे स्लीव्स आम ये जॉइंट हो गए स्लीव्स जमी आ गोटे पट स्लीव्स को सेमती रेड कर ना दीटा को लगि जाए बैक साइड को देखा फ्रंट साइड रो पूरा सेंटर करके रखा जो बटम पटे हुकपटी अच्छे ना से सीधे पूरा सेंटर करके रखा बैक साइड को तापर देखा ये साइड रे आमर फिटिंग लाइन साइड रे जितकी कपड़ा आमर साइज नथिबा कम बेसी होतबो एबे ही एटी बाहरी जीवो तो एबे एमिति सीधे कर रखी साला परे गोटे फिनिशिंग पाई एमिति गोटे आमे तीन सूत्र गोटे सिलई कर नबा बेसी बाहर को छाड़बानी कपड़ा नहले पुनी भीतर कपड़ा कम रही तो एमिति हे साला परे जितकी कपड़ा आमर साइज नथला सा बाहरी गला तो दि साइड रे आमे सेम प्रोसेस रे मु सिलई कर नेली तापर एमे कोन करबा ना एटा को उल्टे नबा उल्टे साला परे फिनिशिंग पुनी दबा पई ए साइड रे पुनी गोटे स्टिच कर नबा तो एबे आम ये फिटिंग मारे देखो छाती चारि भाग गोटे भाग 9 इंच 36 इंच छाती थी ना चल 9 इंच रे मार्क करवा अंटा थी 32 8 इंच रे मार्क करवा तापर हाथ थी 11.5 इंच 11.5 इंच माने आमर ये आसला 5.5 इंच बस हाथ मोहरी होगा एवं तीन जाक मार्क को आम सीधा ये जॉइंट करवा आन जाक मार्क देखिए पूरा सीधा हाब जमा भी आपंकर लाइन टा बंका हेनी देखी पड़े लाइन टी आम कौटी हेले भी बंका नहीं पूरा सीधा अच्छे तो गोटे साइड रे जमी मार्क कले आ गोटे साइड से मार्क करवा छाती चारि भाग रु गोटे भाग रे मार्क करवा अंटार चारि भाग रु गोटे भाग रे मार्क करवा जमी कटिंग बेले मार्क करते ठीक से ही भाई मार्क करवा हाथ मोहरी जी थी तार आम अधा ना 5.5 इंच होगा एवं ये तीन टा मार्क को पुणी जॉइंट कर ना एवं जो ये लाइन टा है ये लाइन उपर सिलई पकेबा आ सिलईटा ही हूँ आम फिटिंग लाइन तो दि साइड से मार्क उपर सिलई पकईने मुझे ब्लाउज स्टिचिंग आम कम्प्लीट हो आशा करुच्ची आज भिडियोटी आपको भल लगे जदि भिडियो आपको बुझा गोटे डाउट होता है मतलब कमेंट करूँ मुझे चेस्टा करी आप डाउट को क्लीयर करने तो भिडियोटी जी आपको भल लगी लाइक सेयार कमेंट गोटे निश्चित करदे भिडियो शेष पर्यटन देखी थी बहुत बहुत धन्यवाद।